रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भयू महाराज का अंतिम संस्कार। पापा, प्यारे पापा, बाबा उठो बाबा। बोलते बोलते बेटी ने दी मुखाग्नि भयू महाराज के पार्थिव शरीर के पास। माँ, बेटी कहू और पत्नी आयुषी थी, लेकिन कहू और आयुषी ने एक दूसरे को नजरअंदाज किया। इंदौर खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने वाले संत भयू महाराज बुधवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। शाम 4 बजे मुक्ति धाम में बेटी कहू ने उन्हें मुखाग्नि दी। पिता का दाह संस्कार करते वक्त कहू की हालत ऐसी थी कि वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। महाराजा के करीबी उसे सहारा देकर क्रिया कर्म की रस्में पूरी करवा रहे थे। वह बस रोती जा रही थी। पापा, प्यारे पापा, बाबा उठो बाबा। बोलते बोलते उसने चिता को मुखाग्नि दी। कुहू की बातों को सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंख भर आई। वहीं 4 माह की बेटी को पिता के दर्शन के लिए लाया गया तो कुहू और बिलखकर रो पड़ी। बेटी बोली, बाबा अब मेरा क्या होगा, आपने सोचा ही नहीं, आश्रम में महाराज के शव को बॉडी कूलर में रखा गया था। बेटी कुहू बोल रही थी कि एक बार मेरे प्यारे बाबा को मुझे गले तो लगाने दो। बाबा बस एक बार मुझे देख कर मुस्कुरा दो, मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, किसके सहारे रहूंगी, दश मेरा क्या होगा, आपने एक बार भी नहीं सोचा, मैं आपने बस मिलने आ ही रही थी, मैंने क्या क्या सोच रखा था, आते ही आपको गले लगा लूंगी, बहुत सारी बातें थी जो आपको बताना थी, आप तो मुझसे मिलने आने वाले थे, दश मेरे साथ घूमने की बात कर रहे थे, मैं क्या करूंगी, मुझे रूठना होगा तो किससे रूठूंगी, आप मुझसे बिना मिले चले गए, मम्मी भी साथ नहीं है, आपने भी मुंह फेर लिया, बेटी के साथ कोई ऐसा करता है क्या, मुझे प्यार कर लो, सिर पर हाथ फेर दो ना, बेटी का क्या होगा, दश आयुषी से दूसरी शादी के बाद परिवार बिखर गया था। पहली पत्नी माधवी की बेटी कहू शादी में भी नहीं आई थी, वह पुणे में ही रहकर पढ़ाई कर रही है, महाराज ही उससे मिलने वहां जाते थे। कहू और आयुषी के बीच कहासुनी होती रहती थी। अब महाराज के निधन के बाद उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उम्रदराज दादी पर आ गई है। पत्नी रोते हुए बोली, हमें किसके भरोसे छोड़ गए, एक बार बोल दो डॉक्टर। आयुषी भी बॉडी कूलर के ऊपर से ही महाराज के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती रही। वह कभी रोती तो कभी यादों में खो जाती। महाराज को गर्मी पसंद नहीं थी, वह बॉडी कूलर पर बार बार हाथ से हवा दे रही थी। वह बोलती रही कि तुमने सुबह मंगलवार तुम मुझे हंस के भेजा था, तुम एक बार आंखें खोलकर मेरी हालत तो देखो यार, मुझ पर दया करो देश, अपनी बेटी 4 महीने को मैं क्या बोलूंगी, वह रात को रोएगी तो कौन उसे घुमाकर सुलाएगा, तुम्हारी आवाज सुनकर तो वह खिलखिला उठती थी दश, आपका फोटो देखकर वह रोएगी तो मैं उसे कैसे चुप कराऊंगी, तुमको टेंशन थी, मुझे तो बोलकर देखते, हमें किसके भरोसे छोड़कर गए, एक बार तो बोल दो यार।